हाय नमस्ते सबको बहुत दिनों बाद मैं इस पे आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एंड आई एम शिफ्टिंग माय टॉपिक अ लिटिल बिट मैं स्टॉक से शुरू करूँगा आई नो इसके बाद काफ़ी लोग चैनल को छोड़ के चले जाएंगे बट मुझ उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दैट बट दिस इज़ माई फोकस राइट नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन स्टॉक मार्केट नॉलेज बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द थिंग जिसके थ्रू पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा पीपल अंडरस्टैंड मोर एंड पीपल कनेक्ट मोर विथ दिस सो कमिंग टू दी मेन पॉइंट वॉट आर स्टॉक्स आपने सुना होगा आजकल शेयर मार्केट में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं पैसे बहुत लगाते हैं तो पैसे लगाते किस में हैं वो लगाते हैं आपके कंपनीज़ में लाइक आप राइट में मेरे देख रहे हैं ब्लू चिप स्टॉक्स मैंने लिखा है इंडिया के ये कहीं से लिस्ट ऑफ कंपनीज कॉपी की हुई है उसमें कोई इशू है नहीं सो आप इन्वेस्ट करते हो एच डी एफ सी बैंक में टाटा मोटर्स में टी सी एस में आई सी आई सी आई बैंक में इन सब में आप पैसा लगाते हो ओके okay, आप इनके स्टॉक खरीदते हो इक्विटी हियर इक्विटी भी हम स्टॉक को ही बोलते हैं इक्विटी और स्टॉक सिमिलर है नाओ अभी हम स्टॉक में जो अगर पैसा लगाते तो हम एग्जैक्टली हम करते क्या है वो प्रोसेस आप जानने की कोशिश कीजिए लाइक आईसी आईसीआई बैंक फॉर एग्जाम्पल सात सौ रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है सर सात सौ रुपये पर ट्रेड कर रहा है आपने सात सौ रुपये में एक स्टॉक ख़रीदा ना अभी आप ये जो एक स्टॉक खरीदते हैं सात सौ रुपये में ये पैसा जाता है कंपनी को एंड कंपनी उस पैसा वो ये पैसा इन्वेस्ट करती है अपने नए प्रोडक्ट्स रोल आउट करने में मार्केटिंग में एवरीथिंग में एंड उस पर जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड एंड ऑल यील्ड होता है सो so, डिविडेंड एंड ऑल यील्ड की बात बाद में करेंगे हम नेट ऑन वीडियोस में बट ये कंसेप्ट बेसिक ऑफ कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट का अब कंपनीज जो है कंपनी लोन भी ले सकती है जैसे आपको अगर पैसा चाहिए आप सोचो कि आपको कार खरीदना है घर खरीदना है आपको पैसा चाहिए तो क्या करोगे आप लोन लोगे करेक्ट तो कंपनी के पास लोन लेने का भी रास्ता है सो so एक तरीका ये है आप लोन ले लो कहीं और से जाके बैंक से जाके या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो सॉरी आप आ, हमारे जैसे लोगों के पास आओ रिटेल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, आप इनसे पैसा ले लो एंड मार्केट में यू आ, इन, ये लोग अपना इन पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि इनको कुछ रिटर्न आए सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू गेट रिटर्न आउट ऑफ इट ठीक है सिंपल कंसेप्ट नो डाउट ओवर हर अब मैं थोड़ा आगे मूव होता हूँ आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक में इंडेक्सेस बहुत होते हैं लाइक आपका सेंसेक्स है निफ्टी है तो आप जब सुनते हो कि मार्केट गिर गया है मार्केट बढ़ गया है इसमें एक्जैक्टली exactly होता क्या है ओके हम देखते हैं मार्केट गिर गया है मतलब सेंसेक्स गिर गया है निफ्टी गिर गया है ओके बट ये होता क्या है एग्जैक्टली exactly, सेंसेक्स और निफ्टी इसको हम बोलते हैं इंडेक्स दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स और अगर आप इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी देखोगे देखिए निफ्टी के आगे फिफ्टी लगा हुआ है मतलब ये टॉप फिफ्टी कंपनीज बताता है इंडियन स्टॉक मार्केट की इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग यू कैन से रेवेन्यू मार्केट कैप वो हम उस पर बाद में आएंगे बट ये टॉप फिफ्टी कंपनीज बताता है अब ये ऐसा नहीं है कि मेरी पांच कंपनीज़ का रेशियो वन इज़ टू वन है यहाँ पे ये रेशियो कुछ भी हो सकता है जो प्री डिफाइन होता है ओके okay, बट आप ये समझिए अगर मार्केट गिर गया मतलब निफ्टी गिरा है मार्केट बढ़ गया मतलब निफ्टी सेंसेक्स बढ़ा है ओके okay. अब ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए बिकॉज पूरी दुनिया पूरी दुनिया देखती है कि आज मार्केट सेंसेक्स कितना गिरा है निफ्टी कितना गिरा है या कितना बड़ा है अच्छा समझे सो इस पर हमारा होता है आ, बेसिक फंडा ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ तक क्लियर है आपको हम अभी आगे के वीडियोस में हम बताएँगे इन, इन्वेस्टर्स किस टाइप के होते हैं ओके okay.